नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बीइंग अवेयर में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेहनत आखिर क्या होती है। परंतु वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं सभी श्रोतागण से एक निवेदन करना चाहता हूं। जिस भी कार्य को करते हैं उसे अपने दिमाग में लाएं और उसे विजुलाइज करने का प्रयास करें और मेहनत का अर्थ समझें। तो क्या होती है मेहनत, चलिए शुरुआत करते हैं। मेहनत वो होती है जो आपके सपनों को साकार करती है। मेहनत वो होती है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। मेहनत वो चाबी होती है जिसके द्वारा आप अपनी सफलता के द्वार पर लगे ताले को खोल सकते हैं। मेहनत वह होती है जब आप किसी चीज को पाने के लिए तल्लीनता तन्मयता के साथ कार्य करते हैं और उसे किसी भी कीमत पर पाने के लिए सब कुछ अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है दोस्तों, यदि मेहनत करो तो एक दिन मिलती जरूर है। तो दोस्तों प्रश्न उठता है कि आखिर ये मेहनत होती कैसी है, कैसी होती है ये मेहनत, मेहनत का स्वरूप क्या होता है। देखो मेहनत का स्वरूप दोस्तों भगवान जैसा होता है। मेहनत दिखती नहीं है सामने, प्रत्यक्ष तौर पर कभी दिखती नहीं है पर होती जरूर है। मेहनत और भगवान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यदि आप मेहनत करते हैं तो आप भगवान का साथ अपने साथ पाएंगे, परंतु यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप अपने आप को उस स्थिति में अकेला पाएंगे। भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं, भगवान भी उन्हीं लोगों को सफल बनाते हैं जो अपनी कीमत जानते हों और अपनी कीमत बढ़ाना जानते हैं। और इंसान अपनी कीमत अपनी मेहनत के बल पर बढ़ा सकता है। आप किसी भी सफल व्यक्ति का इस बारे में उदाहरण ले सकते हैं, तो एलन मस्क का लेते हैं जो कि स्पेसएक्स कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने उनके जीवन में कभी भी पढ़ाई के दौरान स्पेस से संबंधित कोई भी किताबें नहीं पढ़ी थी, परंतु उन्होंने एक सपना देखा अंतरिक्ष में जाने का और उस सपने को सच करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करी और आज वो स्पेसएक्स कंपनी के मालिक हैं, रॉकेट के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। सलमान खान का उदाहरण लेते हैं जिसको एक फिटनेस आइकन के तौर पर देखा जाता है। फिटनेस उनकी लोग उनकी बॉडी को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, परंतु हम कभी भी उनके पीछे की इस बॉडी को बनाने के लिए लगी मेहनत को, जो उन्होंने जिम में मेहनत करी है अपने आप को उस अनुसार ढालने की, हम उसे कभी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक इमेज है जिसमें एक बर्फ पानी पर रखा हुआ है। तो हम जैसा कि बर्फ को देखते हैं कि ऊपर का जो एरिया है वो काफ़ी कम है, परंतु पानी के अंदर जो बर्फ का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऊपर जो एरिया है वो सफलता होती है और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत होती है वो नीचे होती है। मेहनत एक आधार होता है, मेहनत आपकी सफलता का एक आधार होता है जिसके ऊपर आपकी सफलता की इमारत खड़ी होती है। दोस्तों यदि आपको जीवन में सफल बनना है तो आपको मेहनत करनी होगी। सफलता किस्मत से मिलने वाली वस्तु नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, यदि मेहनत करो तो एक दिन मिलती जरूर है। और एक बात हमेशा जीवन में याद रखिएगा दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ये बात आप अपने जीवन में उतार लें। और दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको किस्मत और भाग्य नामक शब्दों को अपने दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि किस्मत और भाग्य नामक शब्द नाकामयाब लोग अपनी असफलता को छुपाने के लिए अपनी असफलता का ठिकरा भाग्य और किस्मत के नाम पर फोड़ते हैं, ताकि वो लोग अपनी असफलता अपनी नाकामयाबी को छुपा सकें और खुद अपने आप को नाकामयाब और असफल कहलाने से बचते हैं। दोस्तों मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है, ये भाग्य किस्मत लिफ्ट की तरह होते हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ ऊपर तक आपको छोड़ेगी यदि आप
उन पर चलने को तैयार हैं, यदि आप मेहनत करने को तैयार हैं, यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। परंतु भाग्य और किस्मत के भरोसे बैठने वाली इस लिफ्ट में जो लोग सवार करते हैं वो लोग बिजली के भरोसे होते हैं। बिजली गई, उनकी सफलता गई, वो लोग सफल नहीं बन पाते हैं। इसीलिए हमेशा हमेशा अपने आप को मेहनत करते रहिए और अपने आप को मेहनती बनाइए। अटकलें आएंगी और अटकाएंगी, रोड़े रोकेंगे, रोड़े आपके रास्ता रोकेंगे। यह तो जीवन का फलसफा है दोस्तों, पर हम अपनी मेहनत से फिर भी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, किस्मत और भाग्य के अलावा अगला एक और चीज़ है जिस पर अक्सर लोग अपना नाकामयाबी का, अपनी असफलता का ठिकरा फोड़ा करते हैं, उसे कहते हैं टैलेंट। टैलेंट, जब भी आदमी असफल होता है और उसके सामने दूसरे व्यक्ति का उदाहरण दिया जाता है तो वह ये बोलता है कि वो तो टैलेंटेड व्यक्ति है। दोस्तों, टैलेंट दिया भगवान द्वारा ज़रूर जाता है, यह एक प्राकृतिक योग्यता होती है, एक प्राकृतिक प्रतिभा होती है जो इंसान के अंदर होती है। परंतु यदि उसे भी यदि तराशा नहीं जाएगा, उसे भी यदि अपनी मेहनत से निखारा नहीं जाएगा तो वो भी व्यर्थ हो जाएगी। जिस तरह हीरे को तराश कर उसकी चमक बाहर लाई जाती है, वरना उसके अंदर ना प्राकृतिक रूप से चमक होती है परंतु उसे बिना तराशे हम उसकी चमक नहीं देख पाते हैं, ठीक उसी तरह प्रतिभा को भी तराशा जाना ज़रूरी होता है, उस पर भी मेहनत की जाना ज़रूरी होती है, तभी वो बाहर निकल कर आती है और उसका रिजल्ट आपको मिलता है सफलता के रूप में। बगैर मेहनत के भगवान द्वारा दिया गया टैलेंट भी व्यर्थ हो जाता है। दोस्तों, मेहनत के ऊपर चार लाइनें हैं जो मैं आपको बताता हूं। किस्मत की किताब में नहीं, लकीरों के मेहराब में नहीं, मेहनत तो बसती है इंसान की रूह में, वो किसी दलाल की मोहताज नहीं। दोस्तों, मेहनत करने से डरिए नहीं, मेहनत आपको करनी होगी यदि आपको जीवन में सफलता चाहिए। यदि आपकी किस्मत में, आपकी लकीरों में विफलता या नाकामयाबी लिखी हुई भी है, तो आप अपने मेहनत से अपना स्वर्णिम भविष्य बना सकते हैं, आप मनचाहा मुकाम पा सकते हैं यदि आप उस चीज़ को मेहनत करने के लिए तैयार हैं। यदि आप किसी भी चीज़ पर मेहनत करते हैं तो आपको उसका फल निश्चित तौर पर मिलेगा, भले ही देर से मिले पर मिलेगा ज़रूर। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। यदि आप पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए यदि आप एक विद्यार्थी हैं, आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं, परंतु होता है आपसे कभी चीज़ वो याद नहीं हो पाती है, तो आप उस चीज़ को पढ़ें, किताब बंद करें, मन में दोहराएं, फिर भी याद ना हो तो उसे एक बार कॉपी पर लिख कर प्रयास करें। परंतु यदि आप मन में ठाने हैं कि आज मुझे ये करके उठना है और मुझे अपने जीवन में ये मुकाम पाना है, तो उसके लिए आपको उसकी कीमत मेहनत के रूप में कितनी भी कड़ी रूप से चुकानी पड़े, आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आपको अपने जीवन में मुकाम, बड़े से बड़ा मुकाम पाने के लिए शुरुआत छोटी सी मेहनत से ही करनी होगी। आपको मेहनत करनी होगी दोस्तों, मेहनत के बिना कुछ नहीं और मेहनत है तो सब कुछ। धन्यवाद दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।